नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, IPL 2021 के बाकी बचे हुए मैचेस जो है सितंबर में शुरू होने वाले हैं। 17 सितंबर से बाकी बचे हुए मैचेस शुरू हो सकते हैं। जो भी 31 मैचेस बचे हुए हैं वो सितंबर में UAE में खेले जाएंगे। अब ऐसे में दोस्तों, IPL 2021 की तैयारी तो बाकी सभी टीमें कर ही रही हैं, इसे पूरा होना ही है। लेकिन भाइयों, यहाँ पर IPL 2022 में भी मेगा ऑक्शन होने वाला है, जहाँ पर तमाम टीमों में हमें कई बड़े बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं और कुछ बड़े खिलाड़ी हमें अपनी टीमें बदलते हुए नजर आ सकते हैं। यानी कि दोस्तों, जैसे सूर्य कुमार यादव हो गए, डेविड वार्नर हो गए, सभी खिलाड़ी जो है किसी और टीम के लिए खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो दोस्तों, ऐसे में इस वीडियो में आगे हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार RCB टीम जो है किन खिलाड़ियों को टारगेट कर सकती है IPL 2022 में, कौन से खिलाड़ियों को वो अपने स्क्वाड में शामिल करने की पूरी कोशिश करने वाले हैं, कौन से खिलाड़ी जो RCB टीम के लिए वहाँ पर बेहतर विकल्प रहने वाले हैं। सारी बातचीत आगे हम डिटेल में करने वाले हैं। इसलिए भाइयों, अगर आप भी RCB टीम के फ़ैन हो तो वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए। वहीं दोस्तों, हमारे चैनल पर नए हो तो इसे याद से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ताकि ऐसे ही डेली अपडेट्स आप तक हमेशा पहुँचती रहे। वहीं अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली RCB को ज्वाइन नहीं किया है तो उसे भी आज से ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ भी आपको RCB टीम से जुड़ी और क्रिकेट की इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो है लगातार मिलती रहती हैं। तो भाइयों, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, फटाफट जाकर वहाँ पर उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, RCB की टीम ने IPL 2021 में लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है, इनकी टीम भी मजबूत है। इसमें मैक्सवेल, काइल जेमिसन, हर्षल पटेल के आने से टीम को बहुत ज़्यादा मजबूती मिली है। AB डिविलियर्स और विराट कोहली का बल्ला नहीं भी चलता है तो वहाँ पर हर्षल पटेल की अच्छी गेंदबाजी या फिर दोस्तों मैक्सवेल की अच्छी बल्लेबाजी से RCB टीम लगातार मैचेस जीतती रही है IPL 2021 में। अब हालांकि देखना यह होगा कि IPL 2021 के फेज 2 में, यानी कि सितंबर में जो बाकी बचे हुए मैचेस खेले जाने हैं, उसमें टीम का प्रदर्शन कैसा होता है। वहीं IPL 2022 में RCB टीम में हमें कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं, जहाँ पर दोस्तों AB डिविलियर्स और विराट कोहली जैसे खिलाड़ी तो इस टीम में बने रहते हुए दिखाई दे सकते हैं, इन्हें टीम रिटेन करने वाली है, लेकिन बाकी खिलाड़ी को टीम जो है रिलीज भी कर सकती है। मोहम्मद सिराज एक ऐसे गेंदबाज होंगे जिन्हें टीम रिटेन करना चाहेगी, क्योंकि इनका फॉर्म जो है काफ़ी शानदार है और टीम के लिए 2021 में काफ़ी अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे। इसलिए दोस्तों, सिराज जो है इनको RCB की टीम रिटेन कर सकती है या फिर RTM कार्ड का इस्तेमाल भी इनके ऊपर कर सकती है। वहीं बात करें कि आखिरकार RCB टीम जो है किसे टारगेट करना चाहेगी, कौन से खिलाड़ी को अपने स्क्वाड में शामिल करने की कोशिश करने वाली है मेगा ऑक्शन 2022 में, तो दोस्तों यहाँ पर डेविड वार्नर पहले एक ऐसे खिलाड़ी रहने वाले हैं जिन्हें RCB की टीम हर हाल में टारगेट करना चाहेगी, उनके ऊपर भरोसा दिखाना चाहेगी। हैदराबाद की टीम जो है इन्होंने IPL 2021 में वार्नर को कप्तानी से भी हटा दिया है, ऐसे में चांसेस काफ़ी ज़्यादा है कि वार्नर जो है हैदराबाद की टीम से रिलीज़ कर दिया जाए IPL 2022 के लिए, इसलिए वो ऑक्शन में आ जाएंगे। अब ऑक्शन में आएंगे वार्नर तो उनके पीछे कई टीमें पड़ने वाली हैं, तो RCB टीम भी एक ऐसी टीम होने वाली है जो कि वार्नर के पीछे पड़ सकती है और उन्हें अपने स्क्वाड में एज अ ओपनर जो है शामिल करने की पूरी कोशिश कर सकती है। तो वार्नर हो गए यहाँ पर पहले ऑप्शन। इसके बाद दोस्तों, सूर्य कुमार यादव भी जो है मुंबई इंडियंस की टीम से रिलीज़ होने वाले हैं, क्योंकि मुंबई की टीम जो है हार्दिक पांड्या, बुमराह और रोहित शर्मा इन तीन खिलाड़ियों को ही रिटेन कर सकती है। इसके बाद उन्हें ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव जैसे खिलाड़ियों को वहां पर रिलीज़ करना ही होगा। इस वजह से दोस्तों, वहां पर सूर्य कुमार यादव भी ऑप्शन में रहने वाले हैं और RCB टीम के पास वो मिडल ऑर्डर में 4 नंबर तक एक अच्छे ऑप्शन रहने वाले हैं। अगर बाई चांस विराट 3 पर खेलने आते हैं तो वो 4 पर अच्छी खासी बल्लेबाजी कर सकते हैं, खेल सकते हैं टीम के लिए। इसलिए दोस्तों, वहाँ पर सूर्य कुमार यादव भी RCB टीम के लिए एक अच्छे ऑप्शन होने वाले हैं IPL 2022 में मेगा ऑप्शन में। वहीं और भी ऑप्शन हो सकते हैं RCB टीम के लिए, जहां पर पैट कमिंस भी हो सकते हैं, मिचेल स्टार्क भी हो सकते हैं, तमाम खिलाड़ी जो है ऑक्शन में रहने वाले हैं। मेगा ऑक्शन में जो है बड़े बड़े खिलाड़ी होंगे जिन्हें RCB टीम खरीदना चाहेगी। इसके अलावा दोस्तों, ओपनर के रूप में वहां पर जेसन रॉय भी RCB टीम के लिए एक अच्छा ऑप्शन होने वाले हैं, जिन्हें RCB टीम खरीद सकती है। दोस्तों, ये सारे ही विकल्प होने वाले हैं RCB टीम के लिए IPL 2022 के मेगा ऑक्शन में, जिन्हें खरीद कर वो अपनी टीम को और ज़्यादा मजबूत बना सकते हैं। अभी के लिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।